नोट दीज फाइव क्वेश्चन है ना, कितने 1 2 3 4 5 है ना, नोट दीज फाइव क्वेश्चन, ठीक है, राइट ऑल 12 क्वेश्चन, मेक श्योर इन द कमेंट सेक्शन यू गिव मी द मार्क्स, ठीक है, आई विल बी द हैप्पीएस्ट टू नो योर मार्क्स, ओके, एंड इफ यू हैव स्कोर्ड लेस डोंट बी स्केर्ड, ठीक है, इट टेक्स टाइम टू लर्न गुड थिंग्स, ओके ओके. Now, once you have done these 12 questions, let's go for the solution. Okay, now let's see the solution for the 8th question. Dekho, maine aapko bataya tha. Why is equation called an identity? Ye definition pucha hua hai 2015 ke examination mein. Prove that 1 plus tan square a is sec square a. Theek hai? And that question is also asked. Na, maine shayad kiya hua hai. Aap check kar lenge piche. Geometrically, you have to find out the value of 60 degree. Hai na? Sine of 60 degree. Theek hai? We have done that question. ठीक है, सो दीज आर प्रूव दैट क्वेश्चंस व्हिच दे आर आस्किंग. तो आप ऐसा क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते कि सर और मैम डू दे आस्क दीज क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, है ना. तो ऐसा आप स्कूल में भी नहीं करेंगे क्वेश्चन, ना ही अगर आप कोई कोचिंग में जाते हैं तो क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज हियर इज अ प्रूफ दे आर आस्किंग. ठीक है, नाउ व्हाई इज इक्वेशन कॉल एन आइडेंटिटी. कोई भी इक्वेशन एक आइडेंटिटी तब बन जाती है जब वो हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होती है. दैट इज अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैं अगर 1 बोलता हूँ तो वो हर एंगल के लिए सेटिस्फाइड है. कोई भी दुनिया का कोई भी एंगल आप उठा के डाल देंगे वो हर एंगल को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, सो व्हाट इज, सो व्हाई इज इक्वेशन कॉल्ड एन आइडेंटिटी, बिकॉज इट इज वैलिड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज ट्रू. ओके, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट. तो हमने क्वेश्चन किया हुआ है, तो कैसे इसको प्रूव करेंगे, आप पीछे के वीडियोज में जाएंगे इसका प्रूफ देखेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स सी द 9th क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 9th क्वेश्चन में आपको इसको 1 प्रूव करना है. देखो, LHS से स्टार्ट किया आपने, क्या आपने इसको कोसिक को 1 बाय साइन माइनस साइन लिखा है, सीक को 1 बाय कॉस माइनस कॉस लिखा है, और टैन को साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन लिखा है. आप बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा. अगर आपने कुछ और तरीके से किया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन विद द ऑल 12 क्वेश्चंस इफ यू हैव अप्लाइड सम डिफरेंट मेथड आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू नो कि आपका ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है ना, आप कैसे क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं. ठीक है, एंड आई विल सजेस्ट यू ऑल्सो इफ दैट वर्क्स और नॉट. ठीक है, अच्छा तो आप इसको लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय साइन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाय कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन कॉस. ठीक है, अब ये तो 1 होता है तो आप इसको क्लियरली 1 लिख सकते हैं. नेक्स्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बाय साइन, साइन स्क्वायर बाय कॉस इंटू 1 बाय साइन कॉस. तो देखो साइन 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 स्क्वायर कैंसिल, कॉस 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 स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1, और यही आपका राइट हैंड साइड है. तो दिस इज व्हाट यू हैव प्रूव्ड. 9th भी हो गया. चलिए अब 10th देख लेते हैं. ठीक है, 9th आपने कर लिया है, 10th देख लेते हैं. साइन माइनस कॉस बाय साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस बाय साइन माइनस कॉस. तो क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं. देखो तो आ जाएगा साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर. तो आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर. अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, माइनस 2 साइन कॉस प्लस 2 साइन कॉस गेट्स कैंसिल्ड, आ जाएगा 2 बाय साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर. अब 2 तो आपको चाहिए आ गया, बट आपको कॉस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, साइन ही चाहिए. तो आप लिख सकते हैं 2 बाय साइन स्क्वायर माइनस कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर. सो व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट 2 बाय साइन स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 2 बाय 2 साइन स्क्वायर माइनस 1. दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज योर RHS. ये भी प्रूव हो गया. तो आपने 11th भी प्रूव कर दिया, 10th भी प्रूव कर दिया. नाउ लेट्स सी द 11th क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं. देखो साइन प्लस कॉस का आपको वैल्यू पता है, आपको इवैल्यूएट करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा. अच्छा अब अभी तक आपने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा माइंड में कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा देता क्या है. देखो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा मुझे देता है साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन, दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन कॉस, दैट इज 1 बाय साइन कॉस. मतलब अगर आपको बोल रहे हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकालो, इसका मतलब आपको बोल रहे हैं 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकालो. ठीक है, अब आपको ये भी क्लिक होना चाहिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा को जब मैं स्क्वायर करूंगा तो यही चीज बचेगी. देखो जब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको गिवन है तो यू कैन राइट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज रूट 2, एंड व्हेन यू स्क्वायर इट यू गेट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस इक्वल टू 2. सो दिस विल बिकम 1, ये 2 है तो आ जाएगा 2 साइन कॉस इक्वल्स टू 1, तो साइन कॉस इक्वल्स टू हाफ, तो साइन कॉस आपके पास हाफ आ गया. तो 1 अपॉन साइन कॉस आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहां से. ठीक है, साइन कॉस हाफ है तो 1 बाय साइन कॉस 2 हो जाएगा, और 1 बाय साइन कॉस अगर आपके पास 2 आ गया तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा भी आपके पास 2 आ जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स सी द 12th क्वेश्चन.
and then we will conclude with the chapter. Okay, 12th question, dekhenge. What the 12th question says, cosec by cosec minus 1 plus cosec by cosec plus 1. अब मैंने आपको, अगर आपको याद है तो ट्रिक में बताया था, कोसिक माइनस वन कोसिक प्लस वन से रेशनलाइज होके कोसिक स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा जो कि कॉट स्क्वायर देगा. चलिए, सो दिस विल बिकम कोसिक, सी आई एम राइटिंग सी एज अ शॉर्ट फॉर्म, तो कोसिक इंटू कोसिक प्लस वन अपॉन कोसिक स्क्वायर माइनस वन प्लस कोसिक इंटू कोसिक माइनस वन बाय कोसिक स्क्वायर माइनस वन. अब देखो, कोसिक स्क्वायर प्लस कोसिक स्क्वायर माइनस कोसिक अपॉन cosec square minus 1, cosec cosec gets cancelled, आ जाएगा 2 cosec square a by cosec square a को मैं cosec square a minus 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec square a minus 1 को मैं लिख सकता हूँ cot square a. ठीक है, तो यह आ जाएगा cot square a और यहाँ आ जाएगा 2 cosec square a. अब इसको सिंपल है, लिख लो 2 by sin square a, 2 by sin square a upon cos square a by sin square a. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, करेक्ट. तो ये थर्ड वाला जाता है सेकंड फ्लोर पे, तो आ जाएगा 2 बाय कॉस स्क्वायर. अब कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर चला जाएगा सीक हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 सीक स्क्वायर. ठीक है, तो यही आपको पूछा हुआ था और आपने सॉल्व कर दिया है. ठीक है, सो हियर वी डू कंक्लूड द चैप्टर, है ना. प्लीज लेट मी नो आपको कैसा लगा, है ना, एंड आई विल बी फर्दर ऑन अपलोडिंग द वीडियोज. थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू.